एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। देखो गाइस, मुझे उड़ाना बहुत पसंद है, प्लेन भी और लोगों का मजाक। मैंने फ्लाइट सिमुलेटर बहुत ज्यादा खेला है, इतना ज्यादा कि अगर कहीं पे किसी को पायलट की कमी हो रही है तो प्लीज मुझे फोन करो। मतलब टेक ऑफ आता है, उड़ा लेता हूँ, घुमा लेता हूँ, बस थोड़ा लैंडिंग में दिक्कत है, बाकी सब मस्त है। मुझे प्लेन उड़ाना इतना ज्यादा पसंद है कि मैंने फ्लाइट सिमुलेटर खेलने के लिए फ्लाइट सिमुलेटर के कंट्रोल्स खरीद लिए, और वो चीज बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। पर आज ना हम लोग जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले। चलो भाई, आज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल में कुछ तो अपने हाथों से रियल लाइफ में उड़ाना है। यार गेम में उड़ा उड़ा के पक चुका, अब मुझे कोई असली प्लेन तो देने नहीं वाला उड़ाने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे एक ड्रोन उड़ाना है। तो इसलिए हम लोग आज हमेशा की तरह जाने वाले अमेज़न से, और आज अमेज़न से मैं ऑर्डर करने वाला हूँ एक ड्रोन। और मुझे आइडिया नहीं गाइस ड्रोन कितने का आता है, जहां तक मुझे पता है ड्रोन्स बहुत महंगे होते हैं, 50-60-70 हज़ार, 1-1 लाख के ड्रोन्स आते हैं। बट होपफुली मुझे कोई सस्ता सा ड्रोन मिल जाए, क्योंकि मुझे ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और मैं डेफिनेटली ड्रोन को लेके सीधा जमीन में पट्टा करके मारूंगा। हो यार गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अमेज़न पे, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है ड्रोन। अब ड्रोन यहाँ पे 4,000 के ड्रोन मिलते हैं, पर यार इसके कोई रिव्यूज नहीं है। देखो मैं ड्रोन्स के बारे में बहुत टाइम से जानता हूँ, और जितना मैंने देखा है ड्रोन्स बहुत महंगे आते हैं। ओके, मैंने DJI का नाम सुना है, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास DJI के ड्रोन्स हैं, और अपेरेंटली DJI के ड्रोन सबसे बेस्ट होते हैं। पर DJI के ड्रोन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो DJI के ड्रोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। मतलब आ जाओ देखते हैं, DJI Mavic 3 Classic ये कितने का आता है। ये लाख के नीचे तो नहीं आएगा। अगर ये ड्रोन गाइस 1 लाख के नीचे आ रहा है तो मैं ये ड्रोन अभी खरीद रहा हूँ। प्लीज 1 लाख के नीचे मत होना। ओ शिट, सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है $1,469। नाइस, आई लाइक इट, $69। हे सिरी, हाउ मच इज $1,469 इन इंडियन रुपीस? $1,469 इज ₹119,369.47। अच्छा, इसने गलत पढ़ा, एक्चुअली ये है 1,19,000 का ड्रोन। भाई अगर मैंने 1,25,000 का ड्रोन खरीद लिया ना, तो मम्मी पापा छोड़ो, मैं खुद अपने आप को मेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो इसलिए हम लोग चुपचाप वापस आ चुके हैं अमेज़न पे, जहाँ पे हम लोग सस्ते में ड्रोन देख सकते हैं। और आई थिंक ये अच्छा है यार, कहा वहाँ पे 1,20,000, कहा यहाँ पे 4-5 हज़ार। अच्छा ड्रोन है यार, मैं 5,000 के ड्रोन लेना पसंद करूंगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स हैं, पर सब ड्रोन्स का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत लेट डिलीवर कर रहा है। यार मेरे को इतना दिन वेट नहीं करना है खेलने के लिए, मुझे ड्रोन के साथ अब भी खेलना है। ओके, तो अभी बात ये है कि जो ड्रोन मुझे कल डिलीवर हो रहा है वो ड्रोन के रिव्यूज अच्छे नहीं है, और अगर वो ड्रोन के रिव्यूज थोड़े से ठीक ठाक भी है तो वो ड्रोन मुझे 1 हफ्ते बाद मिल रहा है। पर मुझे फाइनली यहाँ पर एक ड्रोन मिला जो 4,000 से थोड़ा सा महंगा है, बट ये ड्रोन मुझे आज डिलीवर हो रहा है। मैं इसको फास्टेस्ट आज डिलीवर कर सकता हूँ, ये ड्रोन आज के आज मेरे पास आ जाएगा। और ये ड्रोन का रेटिंग भी अच्छा है, साढ़े 3 स्टार को मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, बट देन साढ़े 3 स्टार इज स्टिल ओके। जैक रॉयल फोल्डेबल ड्रोन, और ओके, तो ये ड्रोन में लाइट्स भी है, और ये ड्रोन में कैमरा भी है। ओके, देखो मैं सस्ते का ड्रोन खरीदने निकला था, मैंने कैमरा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया, पर यार 6,000 के ड्रोन में साथ में कैमरा भी आ रहा है। बट आई डाउट वो कैमरा अच्छा होगा, मेरे को लग रहा है वो कैमरा बिल्कुल टट्टी होगा। बट एनीवे, इसका रिव्यू सही है और ये ड्रोन भी मुझे सही लग रहा है, तो चुपचाप अपन ड्रोन को एड टू कार्ट कर लेंगे, और इस ड्रोन को अपन ऑर्डर करते हैं जो अपने को आज के आज ही डिलीवर हो जाएगा, तो अपन आज के दिन ही ड्रोन उड़ा पाएंगे। एड टू कार्ट एंड ऑर्डर प्लेस्ड। All right guys, मैं चॉकलेट खा रहा था, और चॉकलेट खाते खाते ये चीज डिलीवर हुआ, तो मैं अभी तक चॉकलेट खा ही रहा हूँ। All right guys, तो अपन ने जो ड्रोन ऑर्डर किया था वो ड्रोन फाइनली डिलीवर हो चुका है। फाइनली क्या बोल रहा हूँ यार, आज ही तो सुबह ऑर्डर किया और रात को डिलीवर भी हो गया। All right guys, तो ये ड्रोन आ चुका है, पर ड्रोन का नाम जैक रॉयल नहीं था। यहाँ पर जो अपने को ड्रोन मिला है वो ऑप्टिकल मॉडल फ्लो ड्रोन है, और अमेज़न पे इसका नाम जैक रॉयल। क्या हो रही है? I don't know guys, मेरे साथ स्कैम हो गया, और मैंने जो चीज ऑर्डर किया था वो डिलीवर नहीं हुआ, उसके साथ कुछ और डिलीवर हो गया। I don't know guys, जानने के लिए डब्बे को खोलते और देखते इसके अंदर क्या है। ऑलराइट, तो ये रहा ड्रोन, और यार मेरा एक ही उम्मीद है कि इतने सस्ते का ड्रोन है बस ये ड्रोन उड़ जाए। और यार ये चॉकलेट खाते खाते बात नहीं कर पा रहा हूँ यार, मेरे को चॉकलेट फेंकना भी नहीं, चॉकलेट अच्छा है, और ये लास्ट चॉकलेट है, अगर मैं इसको फेंक दिया तो क्या मैं चॉकलेट को टिश्यू पेपर में रैप, अबे नहीं, बस पेपर अटक जाता है बाद में। छोड़ो यार, चॉकलेट खाते खाते ड्रोन खोलेंगे। और यार गाइस, तो ये रहा वो ड्रोन, और ये ड्रोन को अपन ऐसे करके इसको डब्बे को खोल सकते हैं, जिससे ये ड्रोन का डब्बा बाहर आ गया। और अभी इस डब्बे को ऐसे खोलना है, प्लीज अंदर ड्रोन निकलना,
यस, अंदर ड्रोन है भाई। ये डब्बा देख के मैं डर गया था कि अंदर ड्रोन की जगह पत्थर भर के भेजना दिया हो, पर एक्चुअली अंदर ड्रोन है। तो यहाँ पर एक ड्रोन है और अबे यहाँ पे तो इसके ऊपर ड्रोन लिखा था, यहाँ पे ड्रोन लिखा भी नहीं है। एनीवे तो यहाँ पर एक ड्रोन है और ये ड्रोन के हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोलर है जिस कंट्रोलर से हम लोग इस ड्रोन को एक्चुअली उड़ाने वाले हैं। और आई थिंक सो मेरे को इस पे एक फोन लगाना पड़ेगा। ओके, कंट्रोलर के नीचे अपने पास एक यूएसबी केबल है जिससे आई थिंक अपन ड्रोन को चार्ज करेंगे और उसके नीचे है अपना मेन चीज। ये क्या है? आई थिंक सो ये पंखा गार्ड करने का चीज है। आई थिंक दो इधर भी है, हाँ चार पंखे गार्ड करने के लिए चारों साइड में दिया है। पर अपन पहले इस ड्रोन को बाहर निकालते हैं। ओ बाय द वे गाइस, क्या तुम लोगों को मालूम है कि अपना जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस इतना सा करीब है। पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा अपना ये चैनल अभी 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के एकदम मतलब है ही नहीं, इतना सा आइसेज गैप है। तुम लोगों को पता है क्या करने का? नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन है, तुम लोगों को जल्दी से उसके पास जाके उसको जोर से मारना है ताकि ये जो डायमंड प्ले बटन है ये फटाक से मेरे हाथ में गिर जाए। नाइस। और अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक और रखते हैं 50,000 लाइक्स का। तो ये रहा हमारा वो ड्रोन जो हमने ऑर्डर किया था। बड़ा छोटा सा ड्रोन है, मेरे को लगा था और बड़ा होगा, पर देन सही है। और ये ड्रोन के सामने यहाँ पे एक कैमरा है एंड आई थिंक सो ये ड्रोन में दो कैमरा है। एक सेकंड, यहाँ पे डब्बे पे कहीं तो लिखा हुआ था, ये रहा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिकल फ्लो, फॉलो मी। व्हाट, इसमें फॉलो मी फंक्शन भी है? इसमें है वाइड एंगल, HD लेंस, हैंड जेस्चर, सेल्फी, कैमरा स्विचिंग। तो आई थिंक सो ये ड्रोन में, ओ ये रहा भाई, ये ड्रोन में दो दो कैमरा है। यहाँ पर एक कैमरा और ये दो क्या है? हेडलाइट है क्या ये? क्योंकि ड्रोन के अंदर हेडलाइट दिया है। ओके, ड्रोन को साइड में रखते हैं, प्रोपेलर गार्ड को भी साइड में रखते हैं और इसके नीचे, ओ इसके नीचे चीज है, ये क्या है? आई थिंक ये एक्स्ट्रा ब्लेड्स है। अगर अपना ये हेलीकॉप्टर का पंख टूट गया तो अपन दूसरा पंख लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर है और ये थैली पता नहीं क्या है, पर उसके नीचे अपने को मिल रहा है यूजर मैनुअल जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस, मेरे को ड्रोन्स के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इस कंट्रोल से मैं ड्रोन को कैसे उड़ाते हैं, ड्रोन ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे आता है। आई थिंक ऐसे ऐसे कुछ करके ऊपर नीचे होगा। तो मेरे लिए आज ये यूजर मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मेरे को ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है। ऑलराइट गाइस, तो मैं थोड़ा सा यूजर मैनुअल देख रहा हूं और अपेरेंटली हमें यहाँ पे ड्रोन को उड़ाने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है H1। और मैंने मेरा पुराना वाला फोन निकाल लिया जिस पे हम लोग इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करके हम लोग ड्रोन को उड़ाने वाले। तो जब तक ये ऐप इंस्टॉल होता है जल्दी चल के अपन रिमोट को देखते हैं, अपन ड्रोन को देखते हैं और एक्चुअली ये ड्रोन को अपने को खोलने का भी, बिकॉज़ ये ड्रोन ऐसे पूरा रैप करके रखा है। ओके, तो ये है ड्रोन का रिमोट और इस रिमोट के अंदर आई थिंक सो बैटरी जाता है। और इसे कौन सा बैटरी चाहिए? अबे इसको डबल ए बैटरी चाहिए। मेरे पास घर पे डबल ए बैटरी है क्या? मुझे पता भी नहीं है। रुको यार, रुको, उसका बैटरी बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपन इस ड्रोन को खोलते हैं। तो ये जो ड्रोन के सारे ब्लेड्स हैं, इसको ऑफ कोर्स ऐसा मस्त वाला बंद करके रखा गया है, तो अपन इसको ऐसे खोल लेंगे। ये एक खुल गया, ये दूसरा खुल गया, ये तीसरा और ये लास्ट वाला। ऑलराइट गाइस, सारे विंग्स खोलने के बाद ये ड्रोन ऐसा लिटरली मस्त सा ड्रोन सा लग रहा है, बड़ा सा। और यहाँ पे इन्होंने ये प्रोपेलर प्लेट्स दिया है जो हमें यहाँ पे लगाना होता है। आई डोंट नो, मैं उसको बाद में लगाऊंगा, सबसे पहले मेरे को ना इसके लिए बैटरी ढूंढना है, क्योंकि इसमें अगर बैटरी नहीं लगेगा तो मैं ड्रोन को उड़ा नहीं पाऊंगा। तो मैं जल्दी जाके सबसे पहले बैटरी ढूंढता हूँ। गाइस, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मेरे घर पे लिटरली डबल ए बैटरीज नहीं है, मेरे को ये पैकेट मिला जो ट्रिपल ए बैटरीज है। मेरे को ट्रिपल ए नहीं चाहिए, मेरे को डबल ए चाहिए। और अभी रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे, तो ये टाइम पे मुझे कहीं बैटरी मिलने तो नहीं वाला है। तो गाइस, मेरे को लग रहा है अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस ड्रोन को आज नहीं उड़ा पाएंगे, पर कल सुबह मैं उठ के बैटरीज मंगाने वाला हूँ। The next day. Okay guys, तो कल जब मैं ड्रोन का डब्बा खोल रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये जो कंट्रोलर है इसके लिए बैटरी लगता है और मेरे पास बैटरीज नहीं था। तो कल अपने पास बैटरी नहीं था, हम लोग ड्रोन उड़ा नहीं पाए, तो मैं आज सुबह जाकर बैटरी लेकर आऊँ। कहाँ गया बैटरी, कहाँ बैटरी? ये रहा, पूरा थैला भर के बैटरी लेकर आऊँ, इतना सारा बैटरी है कि भाई जिंदगी में ड्रोन उड़ाएंगे। तो गाइस, इट इज द फाइनली टाइम कि हम लोग इस रिमोट के अंदर बैटरी डाल के ड्रोन उड़ाने वाले। मेरे को ड्रोन कल उड़ाने का था पर एक दिन लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, रिमोट के अंदर बैटरी लग के अपना रिमोट तैयार है। अपना जो ड्रोन है, मैंने क्या किया है, मैंने ये ड्रोन में साइड में ये वाले ब्लेड्स लगा दिए, क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट आ रहा है मैं ड्रोन को उड़ा के शायद से कहीं घुसा दूंगा। तो अगर ये ड्रोन दीवार में चले भी जाए तो होपफुली ये ब्लेड्स नहीं टूटेंगे। तो गाइस, अपना पूरा ड्रोन तैयार है। ये ना ऊपर से प्लास्टिक को निकालते ड्रोन का,
ठीक है। देखो फालतू का ना ड्रोन पे वेट नहीं बढ़ाने का है, ड्रोन का जितना कम वेट होना उतना मस्त ड्रोन उड़ेगा। ऑलराइट, तो अपना ड्रोन तैयार है, अपना कंट्रोलर तैयार है, बस अपने को इस पे फोन लगाने का है और हम लोग इस ड्रोन को उड़ाने के लिए तैयार है। गाइस मेरे को लग रहा है मैं दुनिया का वो अकेला गधा हूँ जिसने अपने लाइफ में आज तक एक बार भी ड्रोन नहीं उड़ाया, और मैं पहली बार लाइफ में ड्रोन उड़ाने वाला हूँ, वो भी घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर। पता नहीं क्या आएगा, या तो गाइस ये ड्रोन अभी टूटने वाला है या तो ये ड्रोन का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जल्दी चल के अपन फोन वोन लगाते और तैयार करते ड्रोन को उड़ाने के लिए। ओके, तो अपना सबसे पहले काम है ड्रोन को ऑन करना, एंड आई थिंक अगर अपन इस बटन को दबाएंगे तो ड्रोन चालू हो जाएगा। और चालू नहीं हुआ, चालू हो जा, प्रेस एंड होल्ड करना है क्या? ओह यस, अपना ड्रोन चालू हो गया। अबे क्या लाइट निकल रही है, देखो ये देखो, इधर लाल इधर नीला, और ये आंखों से, भाई ये क्या है, फ्लैश क्यों मार रहा है आंखों से, ये क्या चल रहा है, ये क्या लाइटिंग है गाइस, ये ड्रोन लिटरली ऐसे आंखों से फ्लैश मार रहा है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है। बट एनीवे गाइस, अपना ड्रोन तैयार है, अभी अपने को क्या करने का है, ये जो ड्रोन है इस ड्रोन का एक वाईफाई नेटवर्क है, अपने को वाईफाई नेटवर्क अपने फोन पे लगाने का है। किधर गया, यस, तो अपन ने अपने ड्रोन के वाईफाई को इस फोन के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, और एक्चुअली मेरा फोन थोड़ा हैवी है तो ना हिल रहा है साथ में, आई डोंट नो। एनीवे जल्दी चलते अपन इस ऐप के अंदर, तो अपन लोग आ चुके इस ऐप के अंदर, और यहाँ पर अगर हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया और मुझे सामने कैमरा का दिख रहा है। वेट अ सेकंड, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ? इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? आई थिंक ऐसे। ओ यस, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ओ हेलो एवरीबॉडी, क्या कैसे दिख रहा है? ओ ये देखो, ओके गाइस आई डोंट नो कैमरा कैसा है, मेरे को थोड़ा सा कैमरा गंदा सा तो लग रहा है। मैंने कुछ तो दबा दिया। आज सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि मेरे को ड्रोन उड़ाना भी अकेले और मेरे को ड्रोन रिकॉर्ड भी करना अकेले, तो मेरे को दो हाथों से तीन चीजें करना है आज। राइट गाइस, अपन ने ड्रोन को कनेक्ट कर लिया है और तुम लोग को ये ड्रोन का फुटेज दिख रहा है, तुम लोग को फोन का फुटेज दिख रहा है। आई डोंट नो ड्रोन का फुटेज कैसा है, मेरे को देख के अच्छा लग रहा है। आई मीन ये 5000 के ड्रोन के हिसाब से इसका फुटेज अच्छा है, ये फुटेज ड्रोन का है और ये फुटेज बहुत अच्छा है। व्हाट, अबे यार ये मेरे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है। और इसका जो रेयर कैमरा है वो कैसे काम करता है, अगर मैं इसको ऐसे करके रेयर कैमरा स्विचिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग के टाइम स्विचिंग नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग बंद करके आई डोंट नो गाइस रेयर कैमरा पे स्विच कैसे करते हैं, पता है मेरे को लग रहा है कि ये जो कैमरा है ये कैमरा बहुत डिसेंट क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब मैंने 5000 के ड्रोन से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, मेरे को लगा था और गंदा रिकॉर्डिंग करेगा। बट एनीवे जल्दी से ड्रोन को यहां पर रख लेते हैं और अपने फोन को उठा लेते हैं। गाइस यहाँ पे अपना ड्रोन तैयार है, यहाँ पे अपना कंट्रोल तैयार है, अपने को शायद से इसको पावर ऑन करना है, जिससे ये पावर ऑन हुआ क्या? ओ यस, ये भी चालू हो गया। ओके ये चालू हो गया, ड्रोन चालू हो गया, अभी अपन ड्रोन को उड़ा। अबे क्या हो गया है, ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई क्या? अबे यार ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, मैंने ड्रोन को एक बार भी नहीं उड़ाया और ड्रोन का बैटरी खत्म हो गया, मतलब मैं जस्ट तैयार हुआ था उड़ाने के लिए, बैटरी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, इसके बैटरी को थोड़ा चार्ज करके फिर मिलते हैं। गाइस एक ड्रोन उड़ाने के लिए हमने कितने प्रॉब्लम्स झेले, पहले भाई रिमोट का बैटरी नहीं है, रिमोट का बैटरी लग गया तो ड्रोन का बैटरी नहीं है। बट एनीवे गाइस अपन ने ड्रोन के बैटरी को चार्ज कर लिया है, ड्रोन का बैटरी तैयार है, मैंने बैटरी को ड्रोन के अंदर लगा दिया, तो जल्दी स्टार्ट करते अपने ड्रोन को और उड़ाते। गाइस एक और नया प्रॉब्लम, ये वो ड्रोन का बैटरी है जिसको मैंने पिछले ऑलमोस्ट 2 घंटे से चार्ज पे लगाया था और ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो प्लग है ये प्लग थोड़ा अजीब सा है, ये यूएसबी प्लग है पर इसको कहीं भी लगा सकते हो और ये कहीं से भी काम नहीं करता। अब अपने को और 1 घंटा रुकना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, फाइनली ये बैटरी इसका चार्ज हो गया है, बहुत टाइम लगा चार्ज होने में और फाइनली ये चार्ज हो चुका है। यहाँ पर ये ऐप चालू हो रहा है एंड आई होप सो कि अब ये बैटरी चार्ज है। यार ये चालू क्यों नहीं हो रहा है ऐप? नहीं नहीं दिक्कत, कनेक्टेड तो है वाईफाई पे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अपना जो ड्रोन है उसका बैटरी चार्ज हो चुका है, अपन ने इसको फोन पे कनेक्ट कर लिया है, अभी अपने को रिमोट को ऑन करना है और ये रिमोट भी ऑन हो चुका है। एंड गाइस इट इज फाइनली टाइम, इट इज टाइम, मैं अपने लाइफ का सबसे पहला ड्रोन उड़ाने वाला हूँ और ये ड्रोन अपने लाइफ में पहली बार उड़ने वाला है। गाइस क्या लगता है तुम लोग, क्या ये ड्रोन सही से उड़ेगा? मेरे को बहुत डर लग रहा है और मैं लिटरली एक हाथ से उड़ा रहा हूँ, मेरा दूसरा हाथ बिजी है। एंड यहाँ पर एक टेक ऑफ का बटन है, अगर मैं इस बटन को दबाऊ तो ये टेक ऑफ नहीं करेगा, तो इसको ऊपर करूँ। ओ ओ चलो ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर रुको, इसका स्पीड पहले कम करना है। ओके 30% स्पीड पे रखा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। स्टॉप
अरे रुक जा भाई, रुक जा। अबे ये रुक भी नहीं रहा है। शिट 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 गाइस, ये ड्रोन नहीं रुक रहा है। ओ भाई शिट, मेरे हाथ में लगा ड्रोन का ब्लेड। ये तुम लोग को व्हाइट कलर का निशान दिख रहा है, वो ड्रोन का मेरे हाथ में लगा है निशान। ओ शिट गाइस, ड्रोन को इंडोर उड़ाना बहुत ही गलत डिसीजन था। ड्रोन उड़ के सीधा टेढ़ा हो गया और टेढ़ा होने के बाद ड्रोन बंद होने का नाम ले ही नहीं रहा है। शिट, मेरे हाथ में बहुत जोर से लगा मेरे को। एक्चुअली हड्डी वड्डी टूटा तो नहीं ना, बस निशान पड़ गया ऐसा। एक व्हाइट कलर का यहाँ पर एक निशान तुमको दिख रहा है? एक व्हाइट कलर का निशान पड़ गया। एक्चुअली क्या हुआ, ये ड्रोन क्रैश हो गया और ड्रोन क्रैश होके ये ड्रोन बंद नहीं हो रहा था, तो मैं इसको बंद करने का ट्राई किया और उसके चक्कर में मेरे हाथ में लग गया। सो आई थिंक सो कि ड्रोन जो है ये सीधा नहीं उड़ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा उड़ता है, तो मैं इसको एक और बार उड़ाने का ट्राई करता हूँ। आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा मैं इसको उड़ाऊंगा। अभी ये भाई बहुत लफड़े वाला चीज है भाई। ओके होपफुली सही से उड़ जाए। ओके गाइस, मैंने फोन को एक स्टैंड पे लगा दिया है, स्टैंड पे नहीं, मैंने अटका दिया है फोन को। ड्रोन वहां पर है, हम ड्रोन को एक और बार उड़ाने का ट्राई करेंगे और आई होप सो कि ड्रोन इस बार उड़ जाए। एंड हमने यहां पर ड्रोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली और प्लीज प्लीज इस बार सही से उड़ना। क्या चीज चल भी रहा है? यस मेरे को एक्चुअली डर लग रहा है ये ड्रोन मेरे पास उड़ के ना आ जाए। मैं भाई कुर्सी के पीछे कवर ले रहा हूँ। गाइस, ये ड्रोन को थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि ड्रोन उड़ के लिटरली कहीं भी जा रहा है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ गाइस, मेरे को डर लग रहा है इस ड्रोन को उड़ाने में। भाई मेरा हाथ अब तक दुख रहा है उसके चक्कर में। गाइस मैंने बहुत सारे लोगों के ड्रोन के वीडियोस देखे और साले उनके ड्रोन एकदम स्टेबल उड़ते हैं। उनका ड्रोन 50-60 हज़ार का होता है, मेरा 5,000 का ड्रोन है, ये क्या ही करेगा। और तो ये ड्रोन मुझे आई थिंक सो घर पे उड़ाना नहीं चाहिए, पर मुझे ये ड्रोन उड़ा के ट्राई करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ड्रोन को लेकर अपन घर के बाहर जा सकते हैं। और गाइस, तो घर पे अपना ड्रोन नहीं चला, जितने बार भी टेक ऑफ किया हर बार क्रैश हुआ है, तो अपन थोड़ा सा बाहर आ चुके ड्रोन को उड़ाने के लिए। होपफुली बाहर रखने को थोड़ा सा ज्यादा जगह मिलेगा, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि जिधर मैं रहता हूँ यहाँ पे हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और मेरे को नहीं चाहिए कि बिल्डिंग के बीच में ऐसा ड्रोन ऐसा ऐसा ऊपर जाए, वो मेरे को पता है अजीब लगता है, और तो वो अपन को नहीं करने का, इसलिए अपन एक छोटे से क्लोज जगह पे आ चुके हैं। तो ये अपना ड्रोन है और अपने पास पकड़ लो गिन के इतना सा जगह है, इतने से छोटे से एरिया के अंदर अपने को उड़ाने का है। तो थैंकफुली टेक ऑफ करते ऐसा साइड में दीवार तो नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का सा जगह है उड़ाने के लिए। तो अभी एक काम करते, ड्रोन को तैयार करते और उड़ा के देखते। प्लीज ड्रोन उड़ जा। दो दिन से ड्रोन लेके बैठा हूँ कि मेरे को उड़ाने का है, पर ये साला गधा दो दिन से उड़ भी नहीं रहा है। होपफुली ये अभी उड़ जाएगा। भाई तूने कैलिब्रेट किया था क्या? इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। हाँ अच्छा, तभी टेक ऑफ करके साइड में जा रहा था ये गधा और मेरे को लग रहा था मेरा ड्रोन गधा है, एक्चुअल में मैं गधा हूँ, सॉरी। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले अपने को इसको ऑन करने का है और ये चालू हो गया। अभी अपने को क्या करने का है, वाईफाई कनेक्ट करने का है। इसका वाईफाई किधर है? ऑलराइट गाइस, अपना ड्रोन अभी कनेक्ट हो चुका है। ये कैलिब्रेट करने का था जो मैंने आई थिंक अभी तक एक बार भी नहीं किया। और क्या लिखा है मैं देखा ही नहीं, कैलिब्रेशन फिनिश्ड। क्या लगता है उड़ेगा नहीं उड़ेगा? अरे पनौती पहले से ना बोल रहा है, इस बार तो कैलिब्रेट भी किया, अब तो उड़ना भी चाहिए एटलीस्ट यार। ये उड़ के इधर ही गिरेगा साइड में, तो मैं लिख के दे रहा हूँ। बस कैलिब्रेट करना था इसको, गधे जैसे मैं बोल रहा था ड्रोन गंदा है। ऑलराइट गाइस, तो ड्रोन उड़ाने के लिए नीचे उड़ाना सेफ नहीं क्योंकि आसपास लोग खेलते हैं और घर होता है लोगों का, तो मैं आ चुका हूँ बहुत ज्यादा ऊपर अपने बिल्डिंग के टेरेस में। और ये होपफुली इतने हाइट पे जिधर मैं हूँ, ये हाइट से अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम लोगों को बाहर दिखाता हूँ एक बार। ये तुम लोग को पीछे देख के समझ में आ रहा है मैं कितने हाइट पे हूँ। यूजुअली ड्रोन उड़ के ये हाइट तक आते हैं और हमारा ड्रोन चालू ही हाइट से करेगा। अब देखो कैलिब्रेट करने के बाद अपना ड्रोन सही से चल रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये ठीक ठाक उड़ रहा है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को लगा था गंदा सा ड्रोन है, ठीक से उड़ता भी नहीं है, पर प्रॉब्लम मेरे में, मैंने कैलिब्रेट नहीं किया था। तो अभी गाइस कैलिब्रेट करने के बाद ड्रोन सही से उड़ रहा है, पर फिर भी मेरे को ठीक से ड्रोन उड़ाना अभी तक नहीं आता है। मैंने लिटरली मेरा पहला फ्लाइट अभी 15 मिनट पहले किया था और अभी हम लोग दूसरे फ्लाइट के लिए आ चुके, तो मोस्ट प्रॉब्ली ड्रोन को मैं ज्यादा कुछ आड़े तेरे हरकतें नहीं करने वाला हूं। मैं सीधा ऊपर लेके जाऊंगा और सीधा नीचे लेके आऊंगा।
और एक लफड़ा पता है क्या है, हम लोग अभी इतना ऊपर आ चुके हैं कि यहाँ पे बहुत जोर से हवा चल रहा है। वो एक सेकंड, वो साइड जाके देखते क्या है क्या, क्योंकि अगर बहुत तार है यार ये बिल्डिंग में ना, ये साले इंटरनेट वाले आते हैं और किधर से भी कोई भी तार निकालते। ये क्या है ये तार, ये अलग दुनिया है, ये दुनिया मैंने आज तक नहीं देखा था। इस तरफ क्या है, अरे इस तरफ तो बड़ा सा खंबा है। हाँ, आई थिंक इस तरफ उड़ाना बेटर रहेगा, वो साइड में स्टिल थोड़े घर वर दिख रहे हैं मेरे को, वो नहीं चाहिए। ऑलराइट गाइस, अपन ड्रोन को इधर सेटअप कर लेंगे, यहाँ पे अपना ड्रोन लग गया है। अभी खाली अपने को फोन कनेक्ट करना है और फोन कनेक्ट करने के बाद उड़ाएंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा बस ऐसे ऊपर और नीचे उड़ाएंगे। मेरा मन कर रहा है इसको लेके ऐसा पूरा आगे पीछे घूम के आने का, पर मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि मेरे को ऐसे उड़ाना आता नहीं है। और प्रॉब्लम ये कि आसपास बहुत सारे घर है, तो मेरे को मैं एक्चुअली रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं करने वाला हूं, पर मुझे नहीं चाहिए कोई भी अनकंफर्टेबल हो कि उससे घर में ड्रोन सामने आ रहा है वगैरह, तो मेरे को वो नहीं करना, इसलिए मैं इतना ऊपर आ गया हूं। तो अपन थोड़ा सा ऊपर लेंगे, थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे, फिर नीचे कर देंगे, हो गया अपना मजा खत्म। ऑलराइट गाइस, ड्रोन कनेक्ट हो गया है, ये रहा ड्रोन, और अभी अपन इसको उड़ाने वाले। अरे मैंने रिमोट ऑन नहीं किया था, मैं कब से बटन दबा रहा हूं कि ऊपर क्यों नहीं जा रहे, बट ओके अभी जाएगा ऊपर, आ जा। ऑलराइट गाइस, 3 2 1 मस्ती बोले ना, जा रही है। भाई ये स्टेबल है एक्चुअली ना, अगर हम लोग किसी चीज को सामने देखते हैं हमें लगता है ये लेफ्ट होता है, पर अगर ये उल्टा हो गया तो ये इधर जाने के लिए अपने को इधर दबाना पड़ेगा, जो अपने को समझता नहीं है। बट गुड Nice. मैं अभी एक नया चीज ट्राई करने वाला हूँ, मैं ड्रोन को सामने देख रहा था, अब मैं वो ना देख के मैं ड्रोन को यहाँ से देखने वाला हूँ, तो होपफुली अब मैं इसको बेटर कंट्रोल कर पाऊंगा। हल्का सा लैग है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो, मेरे को अभी तक कंट्रोल करना नहीं आता है गाइस। मेरे को ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए गाइस, मेरा ड्रोन उड़ाना मैं अपने आप के लिए सेफ्टी में रिस्क है, मैं खुद को ड्रोन से उड़ा दूंगा। और थैंकफुली इतने बार अपटने का भी ड्रोन चल रहा है, इसके विंग्स उड़ रहे हैं। देखा क्या हुआ, वो टेक ऑफ करते लेफ्ट में गया, देख 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 देख, 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 देख। अलग ही दुनिया में जा रहा है वो तो घूमने। गाइस देखो, अब तक मेरे को लग रहा है मैं इनफ प्रोफेशनल ड्रोन फ्लायर बन चुका हूँ कि मेरे को ड्रोन को उठाने के लिए सामने जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ड्रोन खुद उड़ के मेरे पास आएगा। आ रहा है, आ रहा है, रुको धीरे धीरे आ रहा है, आएगा स्लोली स्लोली आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तू बता ड्रोन के नीचे भी कैमरा है, ये देख जमीन मस्त है, वो ये ड्रोन आ रहा है, वो देखो आ रहा था ना, वो थोड़ा बुरा मान गया, मैंने उसको पैच नहीं पकड़ा, वो चॉकलेट नहीं दिया, बुरा मान गया, वो जाके दीवार में घुस गया सीधा। भाई टूट गया ये एक्चुअली, ये देख इतने बार अपटा है कि इसका भी प्रोपेलर गार्ड टूट गया, ये लिटरली टूट गया भाई। तो गाइस अभी इसका बैटरी शायद से खत्म होने को आ रहा है, तो अपने पास गिन के थोड़े ही ट्रायल बचे उड़ाने के लिए, तो अभी इसको उड़ाते हैं और अपन उड़ा के एक साइड इधर, अगर ड्रोन यहाँ से नीचे गया तो नहीं, मत देख मत देख मत देख, आ जाओ टेक ऑफ करते टेढ़ा हो रहा है, वही प्रॉब्लम है उसका। एक गाइस, ड्रोन की ड्यूरेबिलिटी बहुत मस्त है, अब तक शायद से उसको मैं 150 बार अपट चुका रहूंगा, इतने बार अगर मैं आईफोन अपटू ना, एप्पल वाले मुझसे 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग लेंगे। अब तक अपन ने ड्रोन को बस थोड़ा थोड़ा उड़ाया, अभी ड्रोन को ना बहुत उड़ा है, ठीक है, हमारे भी ऊपर, पर यहाँ बहुत जोर से हवा चल रहा है, तो आई थिंक ये उड़ते गायब होगा। वो हवा की वजह से जा रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बहुत जोर से अपटाओ फिर से, पर इस बार फ्लैट अच्छा था, है कि नहीं, अच्छा था ना फ्लैट इस बार, बस था इस बार।
गाइस अपने पास ना अभी एक चैलेंज है, एक खंबे को देखो। अभी पता क्या करने का, अपने को इस ड्रोन को उड़ाने का है और उड़ा के अपने को खंबे का ऐसा गोल करके लेके आके फिर लैंडिंग करने का है। और ये है अपना आज का फाइनल चैलेंज। अगर मैंने ये कर लिया, और प्रॉब्लम पता है क्या है, ये फोन का बैटरी 4% है, ड्रोन का बैटरी शायद से आधा 1% रहेगा, तो जल्दी करते इतना। ऑलराइट गाइस लेट्स स्टार्ट। हम लोग ये चैलेंज करके रहेंगे। ऑलमोस्ट हो गया था। ये क्या क्या गिरा है, ये गिरा है, ये गिरा है, ये क्या है, पूरा ड्रोन खुल गया, बस उसके पंख निकलने बाकी थे। अब तो नहीं हो गया ना ये तो। भाई ला ब्लेड्स का हालत देख, स्क्रैच देख क्या पड़ा है इस पे, हर एक पे मतलब मजबूत अच्छा खासा अपटा है भाई, बट फिर भी चल रहा है यार। गाइस अभी अपने पास एक और चैलेंज है, अपने को क्या करने का है, अपने को ड्रोन को उड़ाने का है, ड्रोन को उड़ा के अपने को सीधा लेके जाने का है, घुमाने का है, फिर वापस लेके आने का है, ठीक है, ये हम लोग वहां से करेंगे। तो क्या ये इतना अपटने के बाद फिर चालू होगा, कुछ चालू नहीं हो रहा होगा। चलो इसको उड़ाने का सीधा लेके आ, आई थिंक इतनी बार अपट के इसका कैलिब्रेशन चला गया यार, कहीं भी जा रही है अभी तो। इसके बिना उड़ाएंगे ठीक है, अभी अभी इसके बिना उड़ाएंगे। बार बार खम्भे में घुसा है भाई ये जाके। आई थिंक इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया ना इतना क्रैश होने के बाद, ये भी कहीं भी जा रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ कुछ और कर रही है हर बार। वो टेक ऑफ करते हैं ना लेफ्ट में जा रहा है अभी हर हमेशा। भाई क्या हालत हुआ ड्रोन का, ड्रोन की बैंड बजा दी भाई। और आई थिंक सो गाइस हम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रोन उड़ा लिया आज के लिए, गाइस इतना ही ड्रोन काफी है, अभी घर चलते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। सो एनीवे गाइस ये था मेरे लाइफ का सबसे पहला ड्रोन उड़ाने का एक्सपीरियंस और सबसे सस्ता ड्रोन उड़ाने का एक्सपीरियंस। वो ड्रोन को मैं जब घर पे लेके आया, घर पे ले आके मैं उसको उड़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि ड्रोन का एक प्रोपेलर मतलब घूम रहा है सही से है, पर वो ऐसे उठते थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि हो गया वो ड्रोन इतने बार अपटा है दीवार पे, इतने बार अपट के वो ड्रोन एक्चुअली अभी तक फिर भी चालू हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। सो एनीवे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय बाय।